हेलो गाइस, करते हैं आप सभी का वेलकम आपकी अपनी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मिलते हैं आपको 100% रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स। सॉरी, मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था इस चैनल पे क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे। इंशाल्लाह रहमान अब वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगे और आपको हर एक अपडेट टाइम पर मिलेगी। यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत बड़ी अपडेट के रिलेटेड बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है लेबर स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन होता था, बट जो लेबर जे एंड के बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, उन्होंने इस साल ये प्रोसेस ऑनलाइन रखा। ड्यू टू रश होता है ऑफिस में, इस साल ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम इसी तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे हम आ चुके हैं जे एंड के बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको वेबसाइट शो हो रहा होगा, jkbocw.gov.in। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको आपने आज तक लेबर की रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्कर्स रजिस्ट्रेशन अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अदर स्कीम वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टेटस सर्टिफिकेट बाकी चीज़। अगर आपको इन सब फीचर्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके रिलेटेड मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम आ जाते हैं, अगर हमको हमें अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पे आना है वर्कर्स रिन्यूअल पे। तो जैसे ही यहाँ पे पोर्टल खुल जाता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वर्कर्स लॉगिन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको पता होगा आपको लॉगिन आईडी दी जाती है, जो यूज़र नेम होता है वो आपका मोबाइल नंबर होता है और पासवर्ड। यहाँ पे मैं एक का लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है, तो यहाँ पे अब मैं इसका कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं क्लिक हियर टू कंटिन्यू। यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे इसकी जो रिन्यूअल है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसको रिन्यू जल्दी करना है अपने लेबर कार्ड। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक सेक्शन आ चुका है जो यहाँ पे है वर्कर्स रजिस्ट्रेशन। इसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसके रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा, रिन्यूअल कैसे करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। जो यहाँ पे सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है स्कीम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे इस पर क्लिक करके ही आप यहाँ पे स्कीम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्कीम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। तो यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल शो होगी। फिर यहाँ पे आपको अब आपको स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको स्कीम टाइप करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कौन सी वाली स्कीम से आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, हम एजुकेशन के रिलेटेड इस पर करेंगे क्लिक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके अदर डिटेल्स शो हो जाएंगे। इस वाले वर्कर का जो रिन्यूअल है उसका बहुत टाइम से इसने रिन्यू नहीं किया है, इसी वजह से यहाँ पे ये स्कीम शो नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दूसरे वर्कर का लॉगिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब दूसरे वर्कर का लॉगिन आईडी लॉगिन कर दी, यहाँ पे आपको स्कीम पे दिखा रहा हूँ। तो स्कीम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारा कुछ शो होगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पे भरने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत हैं। ये हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम स्कीम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जैसे ही हम टाइप ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे निकलता है प्राइमरी के डॉक्यूमेंट्स लोअर एजुकेशन के लिए। अगर हम प्राइमरी का देखें, प्राइमरी के लिए आपको रिजल्ट कार्ड चाहिए प्रीवियस ईयर का, और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से वो मार्कड होना चाहिए, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए और बोनीफाइड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाती हैं तहसीलदार से और बोनीफाइड सर्टिफिकेट स्कूल से आपको मिल जाती हैं। ये तीन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं और इसके लिए जो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है वो 22,500 है। अगर हम उससे अपर देखेंगे के लिए, उसे अपर लेवल के लिए अगर हम देखेंगे 9 टू 10, यहाँ पे 4,500 पर स्टूडेंट आपको मिलेगा।
अलेवेंथ ट्वेल्थ 6,000 पर स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट 10,000, ITI डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो या पैरामेडिकल तो 10,000 आपको मिल जाएगा, PGBA LLB 15,000, ये सब आपको क्रेडिट हो जाएगा फादर के अकाउंट में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, एक तो आपके पास होना चाहिए लेबर कार्ड, आपके पास रिन्यूड होना चाहिए, बोनिफाइड सर्टिफिकेट होनी चाहिए करंट ईयर की, मार्क्स कार्ड होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, फी रिसिप्ट जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए, लोअर एजुकेशन के लिए फी रिसिप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम देखेंगे फ़ोन नंबर आपका लिंक्ड होना चाहिए आधार कार्ड के साथ, और फादर्स अकाउंट नंबर जो वहाँ पे शो ऑलरेडी हो जाता है, और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप लेबर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है ड्यूरिंग फिलिंग अप द फॉर्म और एनी अदर प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अपडेट्स लाते रहे, जॉब अपडेट्स, स्कॉलरशिप अपडेट्स, अदर अपडेट्स। थैंक यू सो मच for watching this video.